गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बाल सिल्की हो, स्मूथ हो, हेल्दी हो, स्ट्रॉन्ग हो और उनको ग्रोथ का भी कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे मौसम कोई भी हो, आपके बाल बढ़ते रहें, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके काम का होने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर मैं शेयर करती हूँ अपने हेयर केयर एंड स्किन केयर टिप्स एंड नेचुरल रेमेडीज़। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर मैं नई वीडियो पोस्ट करूं तो एटलीस्ट आपको पता तो चलना चाहिए ना। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं एक 2 मिनट्स रेमेडी। इसको बनाने में सिर्फ 2 मिनट्स लगते हैं, लेकिन तैयार होने में कम से कम 4 से 5 घंटे का टाइम चाहिए। आपके साथ शेयर कर रही हूं मेहंदी का एक ऐसा हेयर मास्क जिसमें आपको गुडनेस मिल रही है आपके बालों की ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम के लिए। यहाँ पर मैं ले रही हूँ अपने बालों के हिसाब से 4 to 5 स्पून मेहंदी। आप किसी भी अच्छी ब्रांड की मेहंदी ले सकते हैं, और मैंने लिए हैं यहाँ 1 रुपी वाले कॉफ़ी सैशे। मैं अपने बालों के लिए 2 सैशे यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप 1 सैशे ले सकते हैं, और अगर आपके बाल काफ़ी ज़्यादा हैवी और लंबे हैं तो आप इनकी क्वान्टिटी बढ़ा भी सकते हैं। तीसरा मैं ले रही हूँ 1 स्पून आंवला पाउडर। यहाँ पर मैं पतंजलि का ले रही हूँ। आप पतंजलि का या किसी भी अच्छी ब्रांड का आंवला पाउडर ले सकते हैं। कोशिश करें कि आप ऐसा आंवला पाउडर यूज़ करें जो आप खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसकी प्योरिटी की थोड़ी गारंटी होती है। अब इस पाउडर का पेस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 एलोवेरा लीफ। वो भी आप अपने बालों की और मेहंदी की क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इनका मैं अच्छे से जेल निकालूंगी इनको वॉश करने के बाद, और जब ये जेल पूरा निकल जाए तो इसको मिक्सी में ब्लेंड करके हम इससे इस मेहंदी का पेस्ट बनाएंगे। एलोवेरा जेल से ना सिर्फ आपके बालों में शाइन आएगी, वो सिल्की होंगे, बल्कि वो हाइड्रेट होंगे। अगर डैंड्रफ का इशू है तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। आपके बालों को बहुत अच्छे से नरिश करेगा एलोवेरा और कॉफ़ी पाउडर। अब इन सब चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है आपको। इसमें आपको पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ एलोवेरा जेल जो आपने मिक्सी में ब्लेंड किया है उससे इस मिक्सचर को बनाना है, और इस पेस्ट को आप फिर ओवरनाइट रख देंगे। अगर आप दिन में बना रहे हैं तो आप 4 से 5 घंटे इसको ऐसे ही मिक्स करने के बाद छोड़ दें। और देखिए, मैंने ओवरनाइट इसको रखा था तो उसके बाद ये कितना डार्क हो गया है। अगर आपको ग्रे हेयर का प्रॉब्लम है तो आप चाहें तो इस पेस्ट को आप लोहे के किसी बर्तन में, कढ़ाई में या किसी भी लोहे के बर्तन में बना सकते हैं। मैंने इसको स्टील के बोल में बनाया है क्योंकि मुझे ग्रे हेयर का कोई इशू नहीं है। इस हेयर मास्क को आप कम से कम 2 से 3 घंटे अपने बालों में लगा कर रखें। ये हेयर मास्क ना सिर्फ आपके बालों को अच्छा कलर देता है बल्कि आपके बालों की हेल्थ अच्छी करता है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है हेयर फॉल की तो आप इसको लगातार 1 महीने तक लगाएं। वीक में 1 बार लगाना सफिशिएंट है, और क्योंकि मेहंदी और एलोवेरा मिलकर बालों की ग्रोथ को बहुत बूस्ट करते हैं, तो ये आपकी हेयर लेंथ को भी इंक्रीज करने वाला है। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो और बहुत इफेक्टिव ये रेमेडी अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।